फतेहाबाद शहर में उस समय सनसनी फैल गई जब राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में पढ़ने वाली 3 छात्राएं संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गईं। यूं अचानक लापता हुई इन 3 छात्राओं में से 2 फतेहाबाद की भटिया कॉलोनी और 1 ठाकर बस्ती की रहने वाली हैं। जानकारी के मुताबिक 3 दिन पहले तीनों युवतियां सुबह स्कूल जाने के लिए घर से निकली थीं। स्कूल खत्म होने के बाद जब वो वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने स्कूल में पता किया, जहां उन्हें पता चला कि तीनों युवतियां स्कूल नहीं पहुंची, जिसके बाद तीनों की तलाश शुरू की गई, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं चला। इसके बाद छात्राओं के परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी। 2 लड़कियां भाटिया कॉलोनी थी, 1 ठाकर बस्ती की थी, ये तीनों इकट्ठी सहेलियां थी, इकट्ठी पढ़ती थी। 30/5 को सुबह जो भाटिया कॉलोनी वाली लड़कियाँ ठाकर बस्ती में आई हैं, उस लड़की के घर से उसको बुला के स्कूल बैग लेके, ये स्कूल राजकीय कन्या महाविद्यालय की छात्राएं हैं, वहाँ गई हैं, लेकिन स्कूल में ये नहीं पहुंची। तो जैसे ही उनके माता पिता को पता लग गया, उन्होंने हमें इतला दी, हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है। इनकी एक नंबर मिला, उसके CDR लगवा रहे हैं, इनकी तलाश कर रहे हैं, उनके माता पिता भी सहयोग कर रहे हैं। तो अभी और इसके बारे में आगे उन्होंने कुछ ज़्यादा बच्चों के बारे में नहीं बताया। कहाँ की रहने वाली हैं? 2 लड़कियां भाटिया कॉलोनी की है और 1 ठाकर बस्ती की है। तो घर से कोई डॉक्यूमेंट और पैसे लेकर भी घर से निकले? नहीं, एक लड़की अब बता रहे कि उसके पास 1,000 रुपए, वो घर से जो ठाकर बस्ती वाली 1,000 रुपए लेके गई है, बाकी परिवार वाले कह रहे कुछ नहीं। बहरहाल पुलिस ने लापता युवतियों के परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यूं अचानक गुम हुई इन छात्राओं की गुत्थी को पुलिस कब तक सुलझाती है और क्या इस मामले में सामने आता है। फतेहाबाद से रमेश कुमार, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।